نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. गुज़श्ता कई जुमे से तकलीद के मौज़ू पर बात हो रही थी, जो बुनियादी बात समझाने की थी और समझने की थी वो ये थी कि इज्तिहाद और तकलीद इसके बग़ैर चारा नहीं है। जो लोग तकलीद से रोकते हैं या तकलीद को शिर्क कहते हैं या मुकल्लिदीन को मुशरिक कहते हैं, वो नाम कुछ और दे दें लेकिन वो भी किसी न किसी की तकलीद ही करते हैं। और ये बात बतलाई गई थी जो हर जहन आसानी से कबूल कर सकता है और हर आदमी इस बात को आसानी से समझ भी सकता है और समझा भी सकता है कि हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने सारे काम शरीयत के मुताबिक करें और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हर काम के लिए शरीयत में रहनुमाई मौजूद हो। मसलन एक आदमी से कहा गया कि तुमको मार्केट जाना है सामान बेचने के लिए, लेकिन ये ख़रीदो फरोख्त तुम्हारा बेचना ये शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। तो अब ज़रूरी है कि शरीयत में इस बात की रहनुमाई मौजूद हो कि अगर हम में से कोई अपना कोई सामान फरोख्त करने जा रहा है तो शरीयत उसको ये बतलाए कि तुम्हें किस तरह फरोख्त करना है, तभी तो वो उस पर अमल करेगा। वरना ये मुतालबा करना कि तुम शरीयत के मुताबिक ये काम करो, ये मुतालबा ही गलत हो जाए। एक आदमी कुछ खा रहा है, उससे ये कहना कि तुम्हारा ये खाना पीना ये शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, इसका पूरा तरीक़ा शरीयत में मौजूद हो, वरना उससे ये मुतालबा करना ही गलत हो जाएगा कि तुम शरीयत के मुताबिक खाओ पियो। तो जिस तरह हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर काम शरीयत के मुताबिक करे, इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि हर काम के लिए शरीयत में रहनुमाई मौजूद हो। अब अगर हम इज्तिहाद और तकलीद का दरवाज़ा बंद कर दें और इसको गलत कह दें और सिर्फ़ ये कहें कि हमारे लिए कुरान और हदीस काफ़ी है, तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि एक आदमी भैंस की कुर्बानी करता है और भैंस का गोश्त खाता है, हुक्म ये है कि तुम्हारा हर काम शरीयत के मुताबिक हो, तो भैंस हलाल है या हराम है ये भी शरीयत में मौजूद होना चाहिए, तभी तो वो शरीयत के मुताबिक अमल करेगा।
अब जो लोग ये मानते हैं कि शरीयत कुरान और हदीस के साथ साथ इजमा और कुरान और हदीस की रोशनी में इज्तिहाद और तकलीद इस पूरे सिस्टम का नाम है, उनको तो इस मसले में शरीयत से रहनुमाई मिल जाएगी कि भैंस खाना हलाल है या हराम है। लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि हमारे लिए कुरान और हदीस काफ़ी है, वो पूरी ज़िंदगी कुरान और हदीस में खंगालते चले जाएं, उन्हें भैंस का हलाल और हराम होना तो दूर की बात है, भैंस का लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। अब इसका ऐसा आदमी जिसके जहन में ये बिठा दिया जाए कि तुम्हें हर काम शरीयत के मुताबिक करना है और शरीयत सिर्फ सिर्फ कुरान और हदीस का नाम है, और फिर वो आदमी अपनी ज़िंदगी का कोई मसला कुरान और हदीस में नहीं पाएगा, तो वो क्या कहेगा कि कुरान और हदीस यानी शरीयत में हर चीज़ मौजूद नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह। फिर वो यही कहेगा कि इसका मतलब शरीयत अधूरी है। लेकिन जो आदमी ये मानता है कि कुरान और हदीस के साथ साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इजमाए उम्मत और कुरान और हदीस की रोशनी में इज्तिहाद और तकलीद ये भी शरीयत का हिस्सा है, तो उसको किसी भी मसले में ये नहीं कहना पड़ेगा और ये शिकायत नहीं होगी कि फला मसला शरीयत में मौजूद नहीं है। कुरान में मिल जाएगा वहाँ नहीं मिला तो हदीस में मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिला तो इजमा में मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिला तो इज्तिहाद के ज़रिए उसे उस मसले का जवाब मिल जाएगा, वो कहीं खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसी तरह मैंने दूसरी मिसाल दी थी मच्छर की। हदीस में मक्खी के बारे में आया है कि अगर मक्खी तुम्हारे खाने में पीने में गिर जाए तो उस मक्खी को पूरा डिबो दो। क्यों? मक्खी के एक पर में शिफा है, एक पर में बीमारी है, और मक्खी जब भी गिरती है तो उसी पर के बल गिरती है जिधर बीमारी होती है। तो हुक्म ये दिया गया कि उसका पूरा डिबो दो, उसके बाद निकाल के फेंक दो, तुम्हारे खाने में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा, खाना नापाक और ख़राब नहीं होगा, उसे खा सकते हो, इल्ला ये कि किसी आदमी की तबीयत ही ना मायल हो, वो उसका अपना मसला है। लेकिन शरान उस खाने पर कोई हरज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर किसी के खाने में मच्छर गिर गया, अब उसको तो ये बताया गया है कि तुम्हें हर काम शरीयत के मुताबिक करना है और शरीयत नाम है सिर्फ कुरान और हदीस का। अब वो पूरे ज़िंदगी कुरान और हदीस में मच्छर का मसला ढूंढता रहेगा तो मच्छर का मसला मिलना तो दूर की बात है, मच्छर का कहो लफ्ज़ भी ना मिले उसको, तो वो क्या कहेगा? फिर वो ये कहने पर मजबूर होगा कि शरीयत अधूरी है, शरीयत में हर मसला मौजूद नहीं है। इज्तिहाद की ज़रूरत पेश आती है इस वजह से क्योंकि हर मसला कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर मौजूद नहीं होता, और जो मसला वाज़े तौर पर कुरान और हदीस में मौजूद ना हो उसके बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तरगीब दी है और सहाबे किराम ने ये करके दिखाया है कि वो हजरात जिनको अल्लाह ताला इल्म अता करें, जिन्हें कुरान और हदीस की समझ अता करें, अब उनकी ये ड्यूटी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है कि वो इज्तिहाद करें, वो अपनी समझ से अपनी सोच से अपने इल्म की रोशनी में फ़ैसला करें कि इस मसले में हमें क्या करना है। और फिर फरमाया कि ऐसा आदमी ऐसे मौके पर अगर सही डिसीज़न लेता है
तो उसे डबल अजर मिलेंगे। और ऐसा आदमी ऐसे मौके पर अगर गलत फैसला लेता है तब भी उसे गुनाह नहीं मिलेगा, उसके अमल को गलत नहीं कहा जाएगा, तब भी उसको एक अजर मिलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते बल्कि खुद अल्लाह उनसे जो बात कहते हैं उसी का वो हुक्म देते हैं। दो मौके आए, ये बार बार हर जुमे को इन बातों के रिपीट करने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएं। और फिर कोई आकर हमारे नौजवानों को इल्म का रोब झाड़कर कुरान और हदीस का नाम लेकर बहका न सके। दो मौके मैंने जिक्र किए थे, हज़रत माद बिन जबल को अल्लाह के नबी यमन की तरफ भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं माज तुम कैसे फैसला करोगे। माज कह रहे हैं कुरान से फैसला करूंगा। फरमाया कुरान में हल नहीं मिला तो कैसे फैसला करोगे। फरमाया हदीस से फैसला करूंगा, आपके तरीके को देखूंगा। पूछा माज अगर कुरान और हदीस में कहीं तुम्हें मसले का हल ना मिले तब क्या करोगे। तो माज का जुमला है कि मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज के इस जवाब पर उनको शाबाशी दी, उनको दुआ दी और उनको अप्रिशिएट किया। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा पूछा कि हमारे सामने अगर कोई ऐसा हुक्म आ जाए कि हमें उसके बारे में कुरान और सुन्नत में ये रहनुमाई न मिले कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि नहीं करना, तो हम क्या करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुकाहा से मशविरा करो। फुकाहा अपने इल्म की रोशनी में जो राय दे, हालांकि हजरत अली खुद मुज्तहिदीन के इमाम हैं, हजरत अली खुद उस मनसब पर फायज हैं कि आप अपनी राय पेश करें और उम्मत उस पर अमल करे। आप खुद मुज्तहिद हैं, खलीफा राशिद हैं, हुजूर के दामाद हैं, नौजवानों ने जन्नत के सरदार हैं, हजरत हसनैन के वालिद नौजवानों ने जन्नत के सरदार के वालिद हैं। उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ताकि उम्मत को इस मसले का हल मिले कि उन मसाइल में जिनमें कुरान और हदीस में रहनुमाई न मिले क्या करना है, फुकाहा की तरफ रुजू करना है। और फुकाहा का क्या काम है, अपनी राय से इज्तिहाद करना है, और उम्मत का काम उनकी तकलीद करना। तो ये है खुलासा इज्तिहाद और तकलीद का। अगर और हम ये जो तकलीद करते हैं ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उन फुकाहा पर एतमाद है कि वो अपने इल्म की रोशनी में उन मसाइल में जिनका हल हमें डायरेक्ट कुरान और हदीस में नहीं मिलता, उन मसाइल में वो फुकाहा हमें जो बतलाएंगे वो शरीयत के रोशनी में वो मसला बतलाएंगे, लिहाजा उन पर एतमाद की बुनियाद पर हम उनके बतलाए हुए मसले पर अमल करते हैं। क्योंकि चूँकि उनको इज्तिहाद का हक है, वो अगर सही फैसला करेंगे तब तो डबल सवाब है, और उनसे अगर गलत फैसला भी हो गया तब भी उन्हें एक अजर मिलेगा, और हम अगर सही फैसला करेंगे तब भी गुनहगार होंगे। क्यों? क्योंकि हम इसके अहल नहीं हैं। और गलत फैसला करेंगे तब तो खुद भी जहन्नम में जाएंगे और अपने साथ सबको लेकर जाएंगे। सही फैसला करके खुद हम अपनी ज़ात से अगर अमल करेंगे तब भी गुनहगार होंगे। जिस तरह एक आदमी जिसे मेडिकल वालों ने लाइसेंस नहीं दिया सर्जरी करने का, वो अगर सही सर्जरी भी करता है तब भी उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है कि तुमको ये अथॉरिटी नहीं है। जिसके पास लाइसेंस है वही जाकर सर्जन बनेगा, उस वही अपने आप को सर्जन कहलाएगा और ऑपरेशन करेगा। इसी तरह हमारे पास चूंकि कुरान और शरीयत से मसले निकालने का लाइसेंस नहीं है, लिहाजा हम अगर सही डिसीजन लेंगे तब भी गुनहगार होंगे। ये है मोटा मोटा मसला इज्तिहाद और तकलीद का। इतनी वजाहत के बाद भी, और एक बात और,
अगर कोई आदमी इस लायक है कि वो इज्तिहाद कर सके और उम्मत के तमाम उलमा उसको इमाम मान ले कि हाँ ये इज्तिहाद के लायक है, तो उसके लिए फिर तकरीर ज़रूरी नहीं है, उसे फिर इज्तिहाद करके मसले पर अमल करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में वैसे लोग शायद ही इक्का दुक्का बचे हों जो अपनी राय से कुरान और हदीस में ढूंढ कर मसले पर अमल करते हों और उसकी अहलियत रखते हों। आज के दौर में ऐसे लोग नहीं, लिहाजा उनके लिए ये वाजिब है कि वो ऐसे लोगों की तकलीद करें और उनके बताए हुए मसलों पर अमल करें। यह है मोटा मोटा खुलासा इज्तिहाद और तकलीद का। मेरी नीयत तो ये थी कि तकलीद छोड़ने से क्या क्या नुकसान हो रहा है उसको जिक्र किया जाता तफसील के साथ, और बाज़ वो मसाइल, चंद मसाइल हैं जैसे तीन तलाक का मसला है, रफ़ादैन का मसला है, जुमा की दो अजानों का मसला है, ज़ोर से आमीन कहने का मसला है, सूरह फातिहा पढ़ने का मसला है, वो मसाइल जिन पर गैर मुकल्लिदीन हजरात हमारे नौजवानों को बुखारी दिखा दिखा कर उनके दिल में ये डालते हैं कि तुम जो अमल कर रहे हो गलत कर रहे हो, उन मसाइल को खोल खोल कर बयान किया जाए और उनके दलाइल बुखारी से और दीगर अहादीस से नकल किए जाएं। मेरी ख्वाहिश तो ये थी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए, झगड़ा ही ख़त्म हो हमेशा के लिए। लेकिन चूंकि ज़िलक़ादा का महीना चल रहा है और अभी ज़िलहज का महीना आ रहा है जिसमें दो अहम इबादतें हज और कुर्बानी, और अल्लाह के फजल से इस मरतबा हमारा भी बुलावा आ गया है, इंशाल्लाह अगले जुमे के बाद जाना होगा वालदा को लेकर, तो मौका नहीं है कि इन सारी चीज़ों को बहुत तफसील से बयान किया जाए। और ज़िलहिज का महीना ख़त्म होगा तो मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा, उसका एक अलग मौजू, अलग टॉपिक शहादत के उन्वान से। तो जो हजरात इस मसले पर मज़ीद समझना चाहते हैं हमारे नौजवान, वो अलग से वक्त लेकर इन चीज़ों को समझ लें। अब जो मौजू होगा वो कुर्बानी और हज से मुताल्लिक होगा। ज़िलहज का महीना ये बड़ा कीमती महीना है। एक बात बहुत बुनियादी, शरीयत का कॉन्सेप्ट क्या है इबादात के ताल्लुक से? शरीयत नाम है जिस वक्त जो हुक्म दिया जाए उस पर अमल करने का। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, दीगर इबादात, ये इबादत क्यों है? क्योंकि इस वक्त इनके करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। जिस तरह ईद के दिन जैसे रोज़ा रखना हराम है, हालांकि इतनी बड़ी इबादत है, लेकिन चूंकि उस दिन अल्लाह ने मना किया लिहाजा अब ये इबादत नहीं कहलाएगी। जो मकरू औकात हैं तुलू और गुरूब के, उस मौके पर अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज भी रद्द होगी और गुनाह भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस मौके पर अल्लाह ने मना किया, लिहाजा इबादत वही कहलाएगी जिसका अल्लाह हुक्म दे, और जिस चीज़ से अल्लाह रोक दे, तुम्हें कितनी अच्छी वो चीज़ लग रही हो वो इबादत नहीं कहलाएगी। ये है बुनियादी फ़लसफ़ा दीन का। बहुत सारी इबादात वो हैं जो अपने मखसूस वक्त के अलावा भी नफली तौर पर अदा की जा सकती हैं, लेकिन ज़िलहिज के महीने की दो इबादतें ऐसी हैं कि इन औकात के अलावा इंसान पूरी ज़िंदगी करता रहे वो इबादतें नहीं कहलाएंगी। मसलन हज है। अब एक आदमी आज पहुंच जाए मीना और जमरात और अरफात और जाके पढ़ जाए, वो एक दिन नहीं चार दिन वहाँ जाके पढ़ा रहे, कोई सवाब नहीं मिलेगा? और वही 9 तारीख को 10 तारीख को अगर कोई वहाँ चला जाए, 9 को पहुँच जाए या 10 की रात तक पहुँच जाए अरफात में, तो अल्लाह के यहाँ वो मकबूल होगा, उसका वो अमल हज में शुमार होगा। इसी तरह वकूफ़, एक मिनट के लिए भी अगर कोई आदमी वहाँ से वहाँ रुक जाए या वहाँ से गुजर जाए तो उसे हज का सवाब मिलेगा। हत्ता कि सोता हुआ भी अगर कोई गुजर जाए तो उसे हज का सवाब मिलेगा। लेकिन आज जाकर कोई एक हफ्ता भी पड़ जाए या साल के पूरे
महीनों में किसी भी दिन जाकर पढ़ जाए उसे वो सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस दिन अल्लाह का हुक्म है, इस दिन को अल्लाह ने हज के लिए ख़ास किया है। इसी तरह 9 तारीख को 8 तारीख की जोहर से लेकर 9 की फजर तक 5 नमाजें मीना में पढ़नी हैं। अब एक आदमी मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम को छोड़कर मीना जा रहा है, 1,00,000 नमाजों का सवाब छोड़कर मीना जा रहा है। अब कोई ये कहे कि नहीं, हमें तो 1,00,000 नमाजों का सवाब चाहिए, मीना नहीं जाएंगे, तो सवाब छोड़िए, उसे उल्टा गुनाह मिलेगा। क्यों? असल मस्जिद हरम में नमाज नहीं है, असल अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह ने कहा हरम में नमाज पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा, तभी मिलेगा। जब अल्लाह ने कहा मीना जाओ तो अब मीना जाना पड़ेगा। इसी तरह कुर्बानी है, 10, 11, 12 इन 3 दिनों में आप कुर्बानी करेंगे तो वो कुर्बानी कहलाएगी। पूरे साल आप 1,00,000 जानवर कुर्बान कर दें, कुर्बानी के सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन उसके मुकाबले में नमाज है, फ़र्ज नमाज आप पढ़ते हैं, नफल भी पढ़ सकते हैं, फारिग औकात में, खाली औकात में जितने चाहे नवाफिल पढ़ें वो नमाज कहलाएगी। रोज़े रमज़ान के फ़र्ज हैं, पूरे साल जितने चाहे रोज़े रखें, नफली रोज़े इबादत कहलाएगा। ज़कात साल में 1 मरतबा फ़र्ज है, 2.5%, आप पूरे साल सदका करते रहें नफली, वो सवाब कहलाएगा। लेकिन ये हज और कुर्बानी, ये 2 ऐसी इबादत हैं जो ज़िलहिज के महीने में की जाती हैं, जो इन्हीं अय्याम में की जाएगी, दूसरे दिनों में नहीं की जाएगी। लिहाजा ये वो मौका है जब खालिस इस टॉपिक पर बात की जाए, इस ताल्लुक से बात की जाए। ज़िलहिज की पहली तारीख से जिन लोगों को कुर्बानी करना है उनको चाहिए कि वो नाखून और बाल उसके बाद न काटें, उससे पहले पहले काट लें। इसमें एक हिकमत भी है, बहुत सारे वो लोग हैं जो वसाइल ना होने की वजह से हज पर नहीं जा पाते। अल्लाह ताला की यहाँ तो दिलों की कैफियत देखी जाती है, जज्बात देखे जाते हैं। एक आदमी है जिसके दिल में जज्बा बहुत है हज पर जाने का, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, वो नहीं जा पा रहा, उसका कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। अब अल्लाह ताला ने कहा चलो तुम ऐसा करो, हाजियों की मुशाबहत इख्तियार कर लो, जिस तरह हुज्जाज किराम के लिए है कि वो नाखून और बाल ना काटें, तुमको भी ये हुक्म दे दिया, हाजियों की शबाहत इख्तियार कर लो तो हम तुम्हें हाजियों वाला सवाब भी दे देंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इसमें एक ये हिकमत भी पोशीदा है कि एक अल्लाह का दीवाना है, वो अल्लाह के दर में जाना चाहता है, अल्लाह के घर में जाना चाहता है, लेकिन वो अपने वसाइल ना होने की वजह से नहीं जा पा रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा ऐसा करो तुम हाजियों की खाली नकल कर लो, हम तुम्हें हाजियों की तरह इंशाअल्लाह सवाब दे देंगे अगर अल्लाह चाहेंगे तो। तो जो लोग कुर्बानी जिनके ऊपर वाजिब है फ़र्ज है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो यकुम ज़िलहज के बाद से नाखून और बाल न काटें, उससे पहले पहले काट लें। ये जो अय्याम हैं यकुम ज़िलहज से लेकर 9 तक, ये जो 10 रातें हैं, मैंने आयत पढ़ी वलफजरी वलयालिन अश्र, अल्लाह ताला ने कुरान में 10 रातों की कसम खाई है। अक्सर फुकहा अक्सर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि इन 10 रातों से मुराद ये ज़िलहज की 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह ने कसम खाई है, और इनका मकाम इतना बुलंद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दिनों में अगर कोई रोज़ा रखेगा तो उसे 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा, बात रवायात में उसे रमज़ान के रोज़ों का सवाब मिलेगा, और फरमाया इन रातों में जो इबादत करेगा उसे शब कद्र की इबादत का सवाब मिलेगा। इतनी फजीलत है इन 10 रातों की। बहुत से लोगों को मालूम है तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं, हम फ़ायदा ही नहीं उठा पाते इन रातों से। इसी तरह वैसे तो पूरे 10 दिन रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है, लेकिन ख़ास तौर पर 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा जो है, जिस रोज़ हाजी अरफात के मैदान में होते हैं, उस दिन रोज़ा रखने की ये फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन रोज़ा रखने वाले के 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
सोचिए कितनी बड़ी फजीलत है, और कितने लोग हैं जो हर साल इस फजीलत से महरूम रह जाते होंगे। एक बहुत बड़ी इबादत है तकबीर तशरीक, 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर फर्द नमाज के बाद तमाम मर्दों और औरतों को तकबीर तशरीक कहना ये ज़रूरी है, लाजिम है। आमतौर पर ये चूक होती है औरतों से, मर्द अगर बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तब अगर ख़ुद भूल भी जाएं तो सारे नमाज़ी पढ़ते हैं तो याद आ जाता है, लेकिन अक्सर अकेले नमाज पढ़ने वाला भूल जाता है कि उसे तकबीर तशरीक कहना है। तो चाहे अकेले पढ़ रहे हो या जमात से पढ़ रहे हो, तकबीर तशरीक सबको कहना है। और आम तौर पर हमारी घर की ख़वातीन बाज़ को तो तकबीर तशरीक ही याद नहीं रहती, और बाज़ को अगर याद रहती है तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे लिए भी है ये। बस फ़र्क इतना है कि मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। मर्द हजरात के लिए धीमे पढ़ना गलत है और औरतों के लिए तेज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, बुलंद आवाज़ से पढ़ना। लेकिन तकबीर तशरीक कहना 9 ज़िलहिज्जा की अरफा के रोज़ की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर फर्द नमाज के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये लाजिम और ज़रूरी है। उसके बाद आ गई 10 तारीख, इन 3 दिनों में 10 11 12 इन 3 दिनों में अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा और कोई दूसरा अमल पसंद नहीं है। एक बात जो ज़रूरी है समझना हमारे बड़े बूढ़ों को भी और नौजवानों को, बहुत से नौजवान आते हैं पूछते हैं कि शरीयत के इस हुक्म में क्या फ़ायदा है, यानी खाना खाकर चलना सुन्नत है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। खाने के बारे में कहा गया कि एक हिस्सा पेट का छोड़ दो, खाली पेट भर कर खाना ना खाओ, उसके क्या फ़ायदा है। नमाज अगर पढ़ने को कहा जा रहा है तो सजदे में जाने का क्या फ़ायदा है, रुकू में जाने का क्या फ़ायदा है। इसी तरह रोज़ा रखने को कहा जा रहा है, बहुत से लोग कभी अखबार में या न्यूज़ में आ जाता है कि इतनी देर भूखा रहने से ये बदन में फ़ायदे होते हैं, तो लोग उसको शेयर भी करते हैं कि रोज़ा रखने से ये फ़ायदे होते हैं। ये सब अपनी जगह, बुनियादी बात समझें, शरीयत के जितने भी अहकामात हैं वो मुसलमान इसलिए नहीं करते कि उसमें ये फ़ायदा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इस वजह से किसी हुक्म पर अमल कर रहा है तो उससे उसको ये दुनियावी फ़ायदा होगा तो ये अमल उसका इबादत नहीं कहलाएगा। हमें शरीयत पर अमल करना है इस वजह से कि हमारे रब का हुक्म है, और जब ये जज्बा होगा और ये नियत होगी कि शरीयत पर हमें इसलिए अमल करना है कि हमारे रब का हुक्म है, तो जिस हुक्म के बारे में ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे रब का हुक्म है, फिर आदमी उसमें फ़ायदा और नुकसान नहीं देखेगा, फिर आदमी उसमें लॉजिक नहीं ढूंढेगा, फिर आदमी उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि ये बात समझ में नहीं आती। हमारी समझ की हैसियत ही क्या है, हमारी अक़ल की औकात ही क्या है। अल्लाह मियां इतना सा, बस इतना तन्नस खाली हिला दे एक बार तो इंसान पागल हो जाता है, घर वाले भी मुंह नहीं लगाते। ये तो हैसियत है हमारी अकल की, और इस अकल से हम अल्लाह के हुक्म को समझना चाहें कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात अकल में नहीं आ रही है। अब बिला वजह जानवरों में गर्दन पे छुरी चलाई जा रही है, इतने जानवरों को कुर्बान किया जा रहा है, इतना खून बहाया जा रहा है, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखें, इस बात का तो हक है पूछने का कि ये अल्लाह का हुक्म है या नहीं। हर मुसलमान को, हर इंसान को इसका हक है कि वो ये सवाल पूछे कि मौलाना साहब आप जो मसला बतला रहे हैं ये अल्लाह का हुक्म है या नहीं है। लेकिन जब प्रूफ हो जाए कि ये अल्लाह का हुक्म है, फिर हमें अपनी अकल और अपना दिमाग नहीं लगाना, फिर हमें उस पर अमल करना है, चाहे हमारे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, चाहे बज़ाहिर हमें उससे फ़ायदा नज़र आए या नुकसान नज़र आए। इसी तरह ये कुर्बानी है, आजकल नए नए, हमारे वालिद साहब एक जुमला कहा करते थे, लाल भुजक्कड़, नए नए लाल भुजक्कड़ हो गए हैं जो
यूट्यूब पे बैठकर बयान कर रहे हैं, फेसबुक पे उनकी वीडियोस चल रही हैं, उनकी व्हाट्सएप पे क्लिपें चल रही हैं कि लॉजिक क्या है कुर्बानी का, कोई फ़ायदा नहीं, ये पैसा किसी गरीब को दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो बुनियादी बात समझ लें, शरीयत के हुक्म में हमें लॉजिक नहीं ढूंढना। लॉजिक मिल जाए तो सुभानअल्लाह, न मिले तब भी हमें उस पर अमल करना है। बाकी कुर्बानी के ताल्लुक से ये जो कहा जाता है कि ये पैसा गरीब को दे दो, इस पर भी इंशाल्लाह इसका भी ऑपरेशन किया जाएगा कि जो लोग ये कहते हैं वो कितने पानी में हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। सुन्नतें पढ़ ली।